तो मेरा नमस्ते। आज रात 12 बजे से जो लॉकडाउन नांदेड़ जिले में दिनांक 4 अप्रैल के मध्यरात्रि तक जो लगने वाला है, उसके बारे में मैंने पहले भी सबको बताया है कि लॉकडाउन लगाने की क्यों ज़रूरत पड़ी और ये लॉकडाउन किस प्रकार से होने वाला है। ये लॉकडाउन जो 11 दिनों का हमें लगाया है, उसमें बेसिकली नॉन इसेंशियल सर्विसेज सब बंद रहेंगे और इसेंशियल सर्विसेज सब शुरू रहेंगे, जैसे कि राशन दुकान, हॉस्पिटल्स, मेडिकल सर्विसेज और जो कंस्ट्रक्शन के काम है और जो बाकी भी, क्योंकि इसमें हमको जो लेबर क्लास है उनको अफेक्ट नहीं करना, इस वजह से भी हमने ये कंस्ट्रक्शन के और जो फैक्ट्रीज में जो काम करते हैं शुरू रखा है। लेकिन ये शुरू करते हैं तो उनको इन सिटू ही लेबर रखने पड़ेंगे, उनके ट्रांसपोर्टेशन करने का हमने इसमें इजाज़त नहीं दी है। दूसरा, हमने ये भी कहा है प्रशासन ने कि अगले हमको ऐसे प्रेडिक्शन मिले हैं कि 31 मार्च तक केसेस बढ़ने की और शंका है, क्योंकि हमने टेस्ट बहुत बड़े पैमाने पे किए, रोज़ के हमारे 7 से 8 हज़ार टेस्ट नांदेड़ पूरे शहर में हो रहे हैं। उस वजह से भी पेशेंट्स जो असिम्प्टोमेटिक पेशेंट्स हैं उनको भी हम चुन चुन के हम उनको आइसोलेट करना हमारा उद्देश्य है। इस वजह से भी हम ज़्यादा टेस्ट कर रहे हैं ताकि वो जो असिम्प्टोमेटिक पेशेंट्स हो वो सोसाइटी में बाकी लोगों को ना फैलाए, इसलिए भी हमने टेस्ट बड़े पैमाने पे फैलाए। और लॉकडाउन में अगर अगले एक हफ्ते में अगर पेशेंट्स के ये दर कम होते होंगे, जैसे कि कल 1300 आए थे, आज 1100 आए, ये अगर अगले 4-5 दिनों में 2 डिजिट 3 डिजिट में आ गए, तो हम लॉकडाउन ये और शिथिल करने का भी प्रशासन की तैयारी है। इसीलिए मेरी एक ही सबसे विनंती है कि ये जो लॉकडाउन हमने खुशी से नहीं लगाया, ये अंतिम पर्याय इस वजह से हमने लगाया है और इसमें रिलैक्सेशन देने की भी हमने तैयारी दर्शाई। अगर आप पूरे नांदेड़कर वासी अगर प्रशासन से मिलके ये लॉकडाउन अगर सक्सेसफुल करेंगे, तो निश्चित ही मुझे और मेरे प्रशासन को यकीन है कि ये हम कोरोना का जो ये महामारी कोरोना का जो ये बीमारी है, ये विशेष सर्कल है, ये हम तोड़ने में कामयाब रहेंगे। दिन ब दिन कोरोना के मरीज में हो रहा इजाफा, हो रही वृद्धि को देखकर जिला प्रशासन ने ये निर्णय लिया है कि आज रात 12 बजे के बाद यानी मध्य रात्रि के बाद में पूरी तरह से समूचा नांदेड़ जिला लॉकडाउन के ताले में बंद होगा। यदि आने वाले दिनों में यानी 4 अप्रैल के मध्य रात्रि तक यदि इसमें कमी आती है मरीजों में, तो जिला प्रशासन पूरी तरह से यहाँ पर लॉकडाउन में शिथिलता लाने की पूरी तरह से कोशिश कर रहा है। जिलाधिकारी महोदय ने जनता से अपील की है कि इस लॉकडाउन के चलते सख्ती से कोरोना के नियम का पालन किया जाए और ये लॉकडाउन को सफल किया जाए। फिलहाल साढ़े डी टी न्यूज़ इंडिया नांदेड़।